देखते कैसे है, ये तो नई चीज है हमारे इंडिया में, नहीं है ये वाली तो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब? बाकी आपके भाई का फेवरेट डायलॉग तो बोलना ज़रूरी है, सारे भाइयों को राम राम, सुबह और शाम शाम। तो भाइयों रात को क्लब गए थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लब था, और 5-6 बज गए हमारे को वापस आते हुए। तो मैं जस्ट अभी उठा हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ भी खाया नहीं हुआ। और विक्की भाई तो सुबह से मेरे को उठा रहे हैं कि उठ जा भाई स्विमिंग करने चलते हैं। मैंने बोला तू जा भाई स्विमिंग, मैंने तो अपना शावर लिया और अभी जस्ट कपड़े वगैरह पहने हैं, ये तो अपना स्विमिंग पे लगा हुआ है। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ आ नहीं रहा। तो बस चलते हैं, इसको बुलाते हैं और कुछ खाने चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलो चलते हैं, मैं तो अभी अपने रूम में ही हूँ, रूम से बाहर चलते हैं। तो भाइयों ये रूम है अपना, यहाँ पर देखो कैसे अंधेरी गुफा में से निकल के रूम बनता है अपना, और ये देखो यहाँ पर करवाएगा स्विमिंग, ये लगाएगा, ये स्विमिंग पूल है। विक्की आजा भाई, ये देखो लगा पड़ा स्विमिंग। हाँ यार भूख लगी है, बहुत देर हो गई। अरे यार बाद में स्विमिंग करियो, बहुत भूख लग रही है मेरे को। वो लगता है इसको नीचे जाके बुलाना पड़ेगा, ये आएगा नहीं ऐसे। तो चलो नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फटाफट चल के कुछ खाते हैं और देखते हैं कोई बढ़िया सी यहाँ पर चीज़। एक तो ना जब भूख लगी होती है लिफ्ट भी सही टाइम से नहीं आती, 10 मिनट हो गए लिफ्ट भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या जाम कहाँ जाम हो रखी है, कहाँ रुकी हुई है। तो आगे फाइनली लिफ्ट आ गई है, नीचे चलते हैं। लिफ्ट तो बहुत सुंदर है जैसे बता चुका हूँ आपको, कितनी बढ़िया लिफ्ट है यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्लब है यहाँ पर बाली में, मज़ा आ गया, मतलब नाइट लाइफ बहुत अच्छी इंजॉय हो रही है यहाँ पर हमारी। तो बाकी चलते हैं, आप कुछ खाते हैं, मेरा मन तो मैकडोनल्ड्स खाने का हो रहा है, मैकडोनल्ड्स ट्राई करते हैं यहाँ का मैकडोनल्ड कैसा है, तो थोड़ा कंपेयर भी हो जाएगा कि इंडिया का मैकडोनल्ड बढ़िया है कि यहाँ का मैकडोनल्ड बढ़िया है। चलो 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 आगे, स्विमिंग पूल आ गया। आजा भाई विक्की, अरे आ जाओ मजा आ जाएगा, मजा आ गया। अरे यार विक्की भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, आ जाओ। अरे एक तो स्विमिंग से डरते क्यों, इतना मेरे को पहले नहीं पता, मेरा मन नहीं करता जल्दी, यार भूख लग रही है, मैकडॉनल्ड वगैरह ट्राई करके आते हैं। चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो भाई इसको बाहर निकालता हूँ जब तक मैं, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स खाने चलते हैं और देखते हैं कैसा है मैकडॉनल्ड्स। तो गाइस टैक्सी वाले ने हमारे को छोड़ दिया कूटा स्क्वायर, और सामने ही मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स चलेंगे और खाएंगे आराम से। बिल्कुल हमारे सामने मैकडॉनल्ड्स है, और अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा, जैसे कि आपको मैं पहले दिखा दूँ, ये रहा KFC जो हमारा पिछले व्लॉग में हमने बनाया था KFC का, जिस दिन मेरे को बहुत भूख लग रही थी KFC खाने की, जैसे कि आज इनको लग रही है मैकडॉनल्ड्स की क्रेविंग हो गया, मतलब मैकडॉनल्ड की क्रेविंग है कि खाना ही खाना है। तो आपको पहले यहाँ का थोड़ा व्यू वगैरह दिखा दें, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह आपको कपड़े मिल जाएंगे, वॉचेस मिल जाएगी, और खाने वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा, एक तरह से बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है और आप चिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन। और ये देखो ये कितने सुंदर मतलब पूरी फील आ जाएगी आपको, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पर आ सकते हो आप, इंजॉय कर सकते हो। खाने की और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत चीज़ें अवेलेबल है, पर हम आज मैकडॉनल्ड खाएंगे, कुछ और नहीं खा सकते। नहीं नहीं मैकडॉनल्ड पहुँच गया, और अब देखते हैं मैकडॉनल्ड में यहाँ पर क्या क्या मिलता है, इंडिया से क्या डिफरेंट मिलता है, तो चेक करेंगे इंडिया और यहाँ के बाली के मैकडॉनल्ड में क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइस आ गया अपना मैकडी, और भाई तो रुक ही नहीं रहे, फुल पावर में भाग ही जा रहे हैं। अरे रुक तो जाओ, मिलने तो वेट कर लो, अरे जल्दी आ जाओ। अरे इनको चैन नहीं आ रहा, जब तक ये मैकडी नहीं खाएंगे तब तक चैन नहीं आएगा इनको। विक्की तो ये भाई बता रहे हैं कि वहाँ से हमारे जैसे नॉर्मल काउंटर से मिलता है ना ऑर्डर, या काउंटर से ऑर्डर तो मिलेगा, पहले आपको यहाँ पर ऑर्डर रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर काउंटर देखते कैसे है, ये तो नई चीज़ है हमारे इंडिया में, नहीं है ये वाली तो। इंग्लिश तो इंग्लिश में मिलेगा आपको, इंग्लिश के इंडोनेशियन इंग्लिश आती है हमारे को। तो भाई 18 के टेक अवे, 18 टेक अवे कर लेते हैं, टेक अवे नहीं यहीं बैठ के खाएंगे। तो भाई कार्ड वगैरह से पेमेंट करनी है कि कैश? कैश करनी है, कैश। तो भाई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, कैसे कैश करना है या क्या, डेजर्ट देख लूँ क्या क्या है यहाँ पर, पहले मीठा, मीठा मिल जाए इनको वहीं खुश हो जाते हैं। मीठे का विक्की भाई ज़्यादा शौकीन है तो ऑर्डर कर लेते हैं मीठा। तो एक स्ट्रॉबेरी पाए,
एक चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पाई कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऐड टू ऑर्डर, ये देखो ये ऐड कर दिया, और एक यहाँ पर है नहीं मिक्स बेरी पाई, तो एक मिक्स बेरी पाई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, तो ऐड टू ऑर्डर ये कर दिया। शेयर बॉक्स बेवरेज, अच्छा ये देखो ये सब कुछ है यहाँ पर, ये बर्गर्स वगैरह हैं, प्रमोशन कोड क्या चल रहा है, फैमिली वीकेंड में या साइड मतलब फ्राइज चाहिए या चिकन चाहिए, और बेवरेजेस मतलब कोक पेप्सी डेजर्ट हैप्पी मील, तो बर्गर वगैरह चेक करें विक्की, कर लो बर्गर वगैरह चेक करते हैं। तो अच्छा यहाँ पर सबसे खास बात है कि पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स में सिर्फ इंडिया और एक दो और कंट्रीज है जहाँ पर वेज मिलता है, बाकी सब जगह नॉन वेज मिलता है, तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ही मैकडोनल्ड्स आए बाहर आके, नहीं तो यहाँ पर आपको वेज नहीं अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पर है बीफ चिकन एंड फिश, तो हम तो चिकन ऑर्डर करेंगे ना, तो ये चीज़ नहीं है, ये ट्राई करके देखते हैं, नासिड उक मैगडी ये ऑर्डर देखें, नासिड मैगडी, तो एक बार पूछ लेते हैं, कन्फ्यूज हो गया तो पूछ लेते हैं, कन्फ्यूज हो गए पूरे, एक्सक्यूज मी, इनको भी मेरी संगति का असर हो गया, इनको नई नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आने लग गया। व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, यू आर नॉट दिस वन, व्हाट इज दिस, राइस गुड कॉम्प्लेक्स विद चिकन, चिकन 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 राइस राइस गुड एग, ओके ओके, तो ये बोलते हैं कि इसमें अंडा है, चिकन है और चावल है, तो ये ट्राई कर लेते हैं, हमारे वहाँ नहीं मिलते, एक ये भी ऐड कर लेते हैं, ये डन, कस्टमाइज वॉन्ट टू चेंज इंग्रीडियंट्स, अच्छा आप इंग्रीडियंट्स भी चेंज कर सकते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में चेंज कर लेते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, क्या लेना है विक्की, स्प्राइट लेना है, फेंटा लेनी है, कोक लेनी है, ये ले लेते हैं स्टार फ्रूटी फिज, ये हमारे में नहीं अवेलेबल है। तो गाइस हमने ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर में हमारे को स्लिप मिल गई है, अब ये स्लिप हमें काउंटर पर देनी है और हमारे को ऑर्डर मिल जाएगा। तो भाइयों भैया ने स्लिप दे दिया है ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर के लिए हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, ऐसे आपको यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा, लगे पड़े हैं ऑर्डर वे, खाएंगे आज तो मैकडी, आज तो दबा के खाएंगे, सब कुछ नया नया ट्राई करेंगे यहाँ पर, जो जहाँ हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना, सब कुछ वही ऑर्डर करा है मैंने। तो भाइयों मैकडोनल्ड्स में आ गए हैं और सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करी है आपके भाई ने, तो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा और बताऊँगा कैसी है, आधी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, आधी छोटे को ट्राई करने देंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें बताता हूँ आपको, पहले क्या क्या मंगाया है, एक मंगाई है मिक्स बेरी पाई, ये हमारे इंडिया के कोई से मैकडोनल्ड में अवेलेबल नहीं है, तो एक ये चीज़ मंगाई है, उसके बाद मंगाई है हमने एक एप्पल पाई, ये भी हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो पूरी अभी खोल के दिखाऊंगा, पहले चीज़ें बता दूंगा क्या क्या मंगाई है। इसको इन्होंने राइस का नाम दे रखा है ब्रेकफास्ट राइस, तो ये एक ऑमलेट है, ऑमलेट साथ में ये जैसे मोमोज वाली चटनी नहीं होती हमारे, ये देखो ये मोमोज वाली चटनी की तरह चटनी है, और इसके साथ इन्होंने दे रखा है थोड़ा क्रंची ऊपर डालने के लिए, ये क्रंची क्रंची डालने के लिए, और ये आपको लग रहा होगा बर्गर है, भाई बीनू भाई बर्गर खाएंगे मैकडोनल्ड्स में आके, यहाँ पर भी मैकडोनल्ड्स में आके बर्गर खाएंगे, तो भाई ये बर्गर नहीं है, ये है राइस, चावल जिसको कहते हैं राइस, और साथ में एक लेग पीस दे रखा है, जैसे KFC का लेग पीस होता है वैसा लेग पीस है, तो ये भी ट्राई करूँगा। उसके बाद ये कैचअप तो वैसे ही आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ पर सैशे तो मिलता नहीं कैचअप, जैसे KFC में लिए थे ना लास्ट वाले ब्लॉग में, तो उसकी तरह ये कुछ पूछ करो और ला जाएगी। और बाकी एक ये बॉक्स मंगाया है, ये भी बड़ा यूनिक आइटम है इधर, तो बॉक्स में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या अवेलेबल है। एक तो ये डिप अवेलेबल है जिसको मेयोनीज ही कह लो, मेयोनीज है ये, साथ में चिकन स्टिक वाला, ये देखो ये देखो ये है चिकन, फिंगर चिकन कहते हैं इसको ये, और दूसरी चीज़ है ये फिश का, फिश है ये, इसको हम कह सकते हैं फिश पकौड़ा, ओए होए होए फिश पकौड़ा, नाम है वीनू अरोड़ा, फिश पकौड़ा आज मैंने ना छोड़ा। और बाकी आप टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसी चीज़ें कौन सी मेरे को सबसे बेस्ट लग रही हैं। पहले तो आपका भाई मीठे का शौकीन है तो मीठा खाएगा और बताएगा कैसा है। तो ये पहला खोलता हूँ मैं एप्पल पाई, ये पूरी निकाल लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको, या कि भाई को एप्पल पाई जैसे हमारे वहाँ पिज़्ज़ा मैकपफ मिलता है ना मैकपफ, तो ये वो उसकी तरह ही लग रहा है, पर इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या फीलिंग है और कैसा है। ये देखो
ये एप्पल पाई है ये देखो, और ये खाने में मीठा होता है भाई, और टेस्ट करके बताते हैं, मीठा है और गर्म बहुत है। इसको खा के बताता हूँ कैसा है ये। भाई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसमें छोटे छोटे एप्पल के पीस भी आ रहे हैं, और मतलब एप्पल को मैश करके क्रीम बनाई हुई है उसकी, और उसको फ्राई करा हुआ है, उसके बाद ये डाला हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज लग रही है। ओहो, दिल को जो करने वाली। और ये आगे मिक्स बेरी पाए, ये भी हमारे वहाँ अवेलेबल नहीं है भाई। ये भी देखने में वैसी है जैसे मैकबॉक होता है, और गर्म है। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या फीलिंग्स वगैरह भर रखे हैं इन्होंने। ओह, ये बेरीज वगैरह वो सारा वो मैश करके उसके अंदर डाल रखे हैं। तो ये खा के देखता हूँ कैसा है। ये देखो, भाई ये तो वही वाली बात हो गई, तू चीज ला जवाब, तेरा कोई ना जवाब। मतलब हद स्वाद है, हद से ज़्यादा, एप्पल पाई से भी ज़्यादा स्वाद है। तो अब चलते हैं हमने एग, राइस और पीस की तरफ, इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। तो ये बिल्कुल एग है, मतलब थोड़ा सा कच्चा कच्चा रखा हुआ है इन्होंने, और लोग हमारे को देख के जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी शूटिंग कर रहे हैं, 4-5 लोग हमारे को देख रहे हैं। पर इनको हमारी कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है, जो हमारे को शर्माना, कैसा शर्माना आ जाए, नच के दिखा दे। इसको साथ में कैचअप लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। भाई साहब एंड, भाई एंड, बहुत ज़्यादा ही स्वाद है, बहुत ज़्यादा स्वाद, कसम से बहुत ज़्यादा स्वाद है। एक और बाइट ले लेता हूँ, थोड़ा बचा भी देता हूँ, नहीं तो विक्की नाराज़ हो जाएगा, पीछे वीडियो में घूर रहा है मेरे को, यूं कर रहा है, यूं कि मेरे लिए छोड़ दूँगा विक्की भाई, छोड़ दूँगा। भाई लग ही नहीं रहा मैकडोनल्ड्स में, हमारे मैकडोनल्ड्स में तो सिर्फ बर्गर मिल गया, फ्राइज मिल गए, एक दो और चीज़ें मिल गई, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने। अब इसको ट्राई करके देख लेता हूँ, ये तो KFC की तरह ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्वाद है, बहुत ज़्यादा इसका। ये नॉर्मल जैसे KFC में मिलता है ना फ्राइड चिकन, वैसे ही है, पर ये डिफरेंस है कि मैकडोनल्ड्स में मिलता है फ्राइड चिकन। और ये आपकी आ गई चिकन फिंगर्स, इसको ट्राई करके देखते हैं। साथ में इसके दे रखे हैं इन्होंने मेयोनीज और फिंगर चिकन, इसको टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। ये भी अच्छा है, मतलब जो ये चीज़ें हैं तो बेस्ट है, ये भी अच्छा है, नॉर्मल है, पर स्वाद है मतलब। और ये हमारे साथ में फिश पकौड़ा, इनको साथ ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ी केचप भी लगा लेता हूँ। तो ये इस तरह से आता है बॉक्स में, ये देख लो अच्छे से, ऐसे मिलता है खाना। तो भाई अब मेरा हिस्सा तो ट्राई हो चुका है, अब विक्की भाई को भी थोड़ा चांस दे देते हैं, बताता है वो रिव्यू देगा कि कैसा लगा उसको खाना। मेरे को तो ये ऑल ओवर बेस्ट लगा, बेस्ट फूड है, मतलब ऐसा मैकडोनल्ड्स मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया, और सच में इंडिया और इंडोनेशिया के मैकडोनल्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो विक्की भाई अब आप आ जाओ, अपना हिस्सा बता दो आप भी। तो पहले आ जाते हैं ब्लैक पेपर चिकन की तरफ, जो कि दिखने में बड़ा डिलीशियस लग रहा है, बहुत यूनिक सा लग रहा है। ये सारा ब्लैक इसके अंदर वो पेपर वगैरह है, और ये चिकन है, इसको ट्राई करते हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, यूनिक चीज़ है। और हमने साथ में फिश सोडा भी ऑर्डर करा है, जो कि पीने के लिए, डाइजेशन के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ ये बढ़िया, ये फिश की तरह एकदम। तो हमने एक चोको पाई, स्ट्रॉबेरी पाई भी ऑर्डर करी है, ये मैं अभी बाद में खाऊंगा क्योंकि ये मीठी है ना इस वजह से। ये अपना ब्रेकफास्ट रैप, जो कि आपको डिटेल्स में दिख जाएगा, ऊपर लिखा होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको ओपन करते हैं, ये लग रही है बढ़िया चीज़, ऑमलेट भरा हुआ है इसमें तो बहुत सारा।
हो रहे हैं। ये सलामी, ये ऑमलेट, ये रुमाली रोटी टाइप होगी रैप जैसे। केचप भी इधर वैसे ही है, पिचकू पिचकू वाली, पैक नहीं है। जैसे KFC की आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखना, जो हमने बनाई थी उसमें भी ऐसी ही है। ये स्वाद है, एक बाइट और ले लेता हूँ, टेस्टी लग रहा। ये टेस्टी है। ये आ गई अपनी चोको स्ट्रॉबेरी पाई, ये सबसे एक्साइटिंग मस्त चीज़ लग रही है बड़ी। वो चॉकलेट से भरा हुआ है पूरा, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं ताकि आपको अंदर दिखाऊँ इसके अंदर क्या फीलिंग हो रखी है। पूरा भरा हुआ लग रहा है, एकदम क्रंची है, एकदम क्रंची, ये देखो एकदम क्रंची। ओए होए होए, पूरी भरी हुई है इसके अंदर फीलिंग। ये बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, मज़ा। भाइयों भैया तो मान नहीं रहे, नई चीज़ पे नई चीज़ ऑर्डर करी जा रहे हैं भाइयों। ये इसका नाम है फेंटा फ्लोट। हमारे यहाँ तो फेंटा ऑरेंज कलर की मिलती है, यहाँ पर रेड कलर की फेंटा मिलती है। ऊपर इन्होंने डाल दिया यहाँ पर ये व्हिप क्रीम डाल दिया है, और पीने में इतनी ज़्यादा लाजवाब है, मज़ा आ गया। मतलब अब आपका पेट भरा कि नहीं भरा ये बताओ। पेट तो भाई टन टन हो गया, इसके बाद हिम्मत नहीं है मैं कुछ खा सकता हूँ। तो ये तो बता दो खर्चा कितना कर दिया। खर्चा तो भाई, खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 140,000 रुपये खर्चा हो गया भाई विक्की। ओ बॉय, मतलब इंडिया के हिसाब से 730 या 740 रुपये खर्चा हुआ है, और इतना कुछ सामान मिल गया। मतलब आप दो क्या चार बंदे भी खा ले, इनफ है, मोर देन इनफ है। बहुत मतलब बढ़िया रेट है यहाँ पर, ये तो है भाई, मानना पड़ेगा। बाकी भाइयों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो यूट्यूब पे भी ब्रदर्स की वीडियो खोज लो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इंडिया और इंडोनेशियन का मैकडोनल्ड्स का हमारा कंपैरिजन आपको कैसा लगा। लव यू।